हमने तेरे लिए शुद्ध घी के आलू के पराठे बनाए हैं। आप ये जलेबी खाइए। पहले ये पराठे तो खा लो। ये समोसा। देखिए देवर जी, उठना है तो खाना तो पड़ेगा। अरे गुप्ता जी, अभी 11:35 हुआ है, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हूँ। क्या ना बेटा, के समय का लाभ उठाना चाहिए, वरना चूक गए तो पछताना पड़ता है। तो बेटा पछताओ। तुम एक काम करो कि ये रिपोर्ट प्यून को दे दो और तुम आराम से जो है बरेली वाले ऑफिस की बागडोर संभालो। आज अपने फैमिली की वजह से गुप्ता जी की परीक्षा में मैं फेल हो गया। मुझे लगता है गुप्ता जी ना आपको दिल्ली भेजना ही नहीं चाहते थे। अरे पर गलती तो मेरी थी ना, मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। और मेरी भी गलती क्यों? मेरी फैमिली की वजह से मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। आप ना मेरे घर पे आ जाओ, ऐसी आजादी मिलेगी, ऐसी आजादी मिलेगी जैसी अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को मिली थी। हम सोच रहे थे सीहोर हुआ है, वहाँ का गेहूँ बहुत अच्छा। आता हूँ मम्मी। अरे कहाँ जा रहा है? नहीं काम है मम्मी। अरे नाश्ता करके जा, परोस के रखा है। आइए ना देवर जी, बैठ बैठ। हाँ आ जाओ, आ जाओ बेटा, बैठ लेना। हाय हाय देवर जी, अभी तो ऑफिस का समय भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी में किसी से मिलने जा रहे हैं क्या? फसा। हाँ वो एक दूर का दोस्त है, शायद उससे मिलना हो। दूर का दोस्त? ये क्या होता है भाई? अरे दूर के तो रिश्तेदार होते हैं ना। दूर से आएगा ना भैया, इसलिए दूर का दोस्त। हाय हाय देवर जी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? देवर जी को झूठ बोलना भी नहीं आता। ऐसी बात नहीं है भाभी। ये तो बचपन से ही ऐसा है। बिस्तर में सुसु करके कहता था कि ये मैंने नहीं पापा ने की है। मैंने नहीं मम्मी, मैंने ऐसे कब कहा था? अरे भाई एक और चीज याद है कि नहीं, हम लोग 6ठी कक्षा में थे, स्कूल के लिए लेट हो गए। टीचर ने पूछा कि लेट क्यों हुए, तो भाई साहब कहते हैं भूकंप आ गया था। इतना बचकाना झूठ 6ठी कक्षा में कोई बोलता है क्या? हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं झूठ बोलने में थोड़ा सा कच्चा हूँ। तो अच्छी बात है ना भाई, लाड साहब की तरह घाक झूठा भी ना हो इंसान। इसका फोन था? वो क्रेडिट कार्ड वाले मम्मी बहुत परेशान करते हैं। हाय हाय देवर जी, आपकी बार क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आया ना तो आप काटिएगा नहीं, हमारी बात करवा दीजिएगा, हमें भी चाहिए क्रेडिट कार्ड। दोबारा ना कर दे कहीं वो फोन, अब तो फोन काट भी नहीं पाऊंगा। वो आ गया क्रेडिट कार्ड वालों का फोन। नहीं भाभी वो मेरा दूर का दोस्त। हेलो हेलो, जोर से बोलिए, नेटवर्क का कुछ। हाँ मैं हेलो, नेटवर्क तो है। आपका घर का सामने ही घर है, कहाँ है आप? अरे यार तुम यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? बात तो ठीक कह रहा भैया जी, धूप भी बहुत, चलिए अंदर चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, अंदर नहीं, हम यहीं छांव में खड़े होके बात। नहीं भैया जी सही कह रहे हैं, सफल तो हमारी जेल में जाने लायक लगते हैं। नहीं भैया मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं ठीक है भैया जी, जेल से परहेज नहीं है, जेल गए हैं तो गए हैं, इसमें शर्म कैसी। तुम जेल गए हो? नहीं मतलब अब आप जेल गए गोरखलाल जी, किस जुर्म में? गड़े मुर्दे मर्डर। मैं चलता हूँ, हरे कृष्ण। अरे सुनिए तो भैया, नहीं हमें कोई घर लेना ही नहीं है भाई साहब। आप अरे हम कह रहे थे गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, छोटी मोटी चोरियां किए हैं, मर्डर वर्डर नहीं किए हैं, और इसमें शर्म कैसी। निकल मिलते हैं। अरे सुनिए तो भैया जी, तो रहने का मौका नहीं देंगे, पर उसी अंधकार में डाल देंगे हमको। कल ही हमने गंगा मैया की कसम खाई है, चोरी चकारी नहीं करेंगे। आज से हम माननीय स्टेट एजेंट हैं और आप हमारे पहले कस्टमर हैं, तो धरने का एक मौका डिजर्व करते हैं भैया जी। यार एक बात बताओ, मेरे चेहरे पर लिखा है कि मुझे इमोशनल करके मुझसे कुछ भी मनवाया जा सकता है। साफ साफ लिखा है, साथ में ये भी लिखा है कि आपके घर वाले इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं, और ये भी लिखा है कि इस बात से त्रस्त होकर आप घर ढूंढ रहे हैं। गलत लिखा है, घर वाले हमसे त्रस्त हैं। चलिए कल ही से लोग आपको स्वर्गवासी कहना शुरू कर देंगे। भैया साफ साफ बता दो, मैं तुम्हारा पहला कस्टमर हूँ कि पहला शिकार? सुनिए तो भैया जी, हमने आपके लिए स्वर्ग जैसा घर देखा है, और कल से आप वहाँ वासी हो जाएंगे, तो हुए ना स्वर्गवासी। चुटकुला भैया जी। हाँ जरा धीरे से भाई, बस एक बात का ख्याल रखना कि मेरे घर के एक बच्चे को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किराए पर घर ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, समझ गए भैया जी। आ गई, आ
मुसीबत। ये देवर जी किससे बात कर रहे हैं? अंदर तो कह रहे थे कि नेटवर्क नहीं आ रहे, बाहर मोबाइल पे बात करने जा रहे हो। दरे दरा, हाय हाय देवर जी। हाँ भाभी। नेटवर्क मिल गया? हाँ, नेटवर्क मिल गया था। बात हो गई? हाँ, हो गई। हाय हाय, बड़ी लंबी बात हो गई आपकी। वो ऑफिस से फोन था ना? हाय हाय, ऑफिस वालों का फोन था? फिर तो लंबी बात करनी ही पड़ी होगी, है ना देवर जी? हाय हाय, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सात मोहल्लों में भी कोई ऐसा झूठ नहीं बोलता जैसा देवर जी ने बोला। जब देवर जी उस चोर उचक के आदमी से बात कर रहे थे तो फिर ये क्यों कहा कि मैं फोन पे बात कर रहा था? फसा। तुम्हें फोन पे बताया था ना कि कवारे आदमी को किराए का मकान नहीं देंगे वावा। अरे चाचा जी सुनिए तो सही, हमारे भैया जी बहुत शरीफ हैं, शादी की उम्र निकली जा रही है लेकिन आज तक शिकायत नहीं आई भैया जी की। अरे गोरख जी, ये कैसा बायोडेटा सुना रहे हैं आप? सर जी, वो बात यह है कि मैं कुंवारा हूँ, इसीलिए कि मैं सोचता हूँ पहले कुछ बन जाऊँ फिर शादी कर लेंगे। क्या करते हो बाबा? सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। और कोई खूबी? जी बिल्कुल, वो हम बताते हैं। भैया जी मैनेजर हैं, इंग्लिश में क्या टॉकिंग करते हैं, आप इनकी इंग्लिश टॉकिंग सुन लेंगे ना तो अपना घर इनके हार्ट में दे देंगे। अरे भैया जी करिए ना, चाचा जी के साथ गोरख जी करिए ना भैया जी। सर आई अश्योर यू, इफ यू गिव मी अ रूम इन योर हाउस यू विल नेवर गेट अ सिंगल कंप्लेंट। वाह इंग्लिश बोलते हो बाबा, फिर तो इंग्लिश फिल्म भी देखते होंगे बाबा, फिर तो हमें किराए पे मकान देना ही नहीं है। अरे चाचा जी सुनिए चाचा जी, भैया जी बहुत शरीफ घर से हैं और कहीं बाहर के नहीं हैं, अपनी बरेली के हैं। बरेली में अपना मकान है बाबा जी, फिर क्यों किराए का मकान चाहिए? अंकल जी वो बात ये है ना कि मैं 3 साल लखनऊ में रहा था, मेरा वहाँ ट्रांसफर हो गया था तो वहाँ अकेले रहने की आदत पड़ गई थी, तो अब वापस लौटा हूँ तो मेरी फैमिली में सब थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं मुझसे और शायद मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ उनसे, समझ सकते ना? यानी कि तुम बहुत ही डिस्टर्बिंग फैमिली से हो। वाह वाह। अरे नहीं नहीं चाचा जी, इनकी फैमिली जबरदस्त है, अपने वो मंगलदास जी आटा चक्की वाले उनके छोटे बेटे हैं। मंगलदास जी के बेटे हो? लेकिन वो तो बहुत शरीफ इंसान है जी। मंगलदास जी को आज से थोड़ी ना जानता हूँ वाह, तुम इस धरती पर विराजे उससे पहले से मैं जानता हूँ। ये वहाँ आवारागिरी नहीं कर सकता होगा इसीलिए किराए का मकान ढूंढ रहा है। मैं अभी मंगलदास जी को फोन आई के आता हूँ। अरे चाचा जी भैया जी आप घबराइए मत, हम चाचा जी को फोन नहीं लगाने देंगे। चाचा जी वैसे तुम श्योर हो ना ये मेरे पिताजी को नहीं जानते? वैसे कमरा बड़ा अच्छा लगा मुझे। भैया जी किराया भी आधा है, मामा जी से अभी बात कर लेते फाइनल। चलो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी, हाउ आर यू? मेरा मतलब है कैसे हैं आप सर? बीमार हैं? बीमार नहीं है मामा जी, सुन बोल नहीं सकते हैं, आजीवन कुंवारे हैं मामा जी, लोगों के टानों और बातों ने इन्हें गूंगा और बहरा कर दिया है। मैं आपका होने वाला किरायेदार हूँ। मामा जी बहुत अच्छे आदमी है ये, आपके तरह कुंवारे हैं। शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी शादी के बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा नहीं नहीं मामा जी कर लेंगे वो शादी। फिर कुछ कहा? आपको लेकर डर रहे हैं। मेरे लिए क्यों? अरे क्योंकि आप भी कहीं कुंवारेपन वाले ताने सुन सुन के गूंगे और बहरे ना हो जाएं। लेकिन मामा जी को आप पसंद है
मामा जी आपको पसंद है? अबे घर पसंद करवाने लायक है मामा को? दोनों को। अरे क्या है ना, रात में मामा जी आपके कमरे में सोने आएंगे। क्या? क्यों, ये मेरे कमरे में क्यों सोने आएंगे? या हमने इसलिए पहले आपको नहीं बताया था, आप फट से मना कर देंगे। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए, किराया भी आधा है और घर भी अच्छा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है गोरखलाल। नमस्ते मामा जी। अरे भैया जी सुनिए ना, मामा जी के स्पीकर खराब है, कर करके भी क्या डिस्टर्ब करेंगे वो आपको। अजीब आदमी हो यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे कमरे में। अरे भैया जी आप समझ ही नहीं रहे हैं, 2-4 महीने की बात है, फिर मामा जी चले जाएंगे। कहाँ? अरे ऊपर। लेकिन किराया ऊपर नहीं जाएगा, किराया आधा ही रहेगा भैया जी, हम वचन देते हैं। अरे यार अपना वचन तुम अपने पास रखो, और दूसरा घर है ना तो बताओ, समझे? कौए को पकवान, कुंवारे को मकान, बड़ी मुश्किल से मिलता है भैया जी, आप समझते का है नहीं है। दूसरा घर नहीं है ना तो जाने दो। अरे भैया जी कैसे जाने देंगे, आप हमारे पहले कस्टमर हैं। चलिए दिखाते हैं दूसरा मकान, चलिए। कह दिया ना कि हम कुंवारे आदमियों को घर नहीं देते, अब जाते हो या बुलाओ मोहल्ले वालों को। कुंवारा आदमी, घर पर काम करने वाली भाई जवान है, ना 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 सॉरी भाई, जा सकते हो यहाँ से। भैया जी वो कुंवारे आदमी को घर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? ए आलू रे आलू, आलू रे आलू। हाय हाय, आलू से याद आया, आज हमने देवर जी को बाहर एक आदमी से बात करते हुए अपनी आंखों से देखा। पर हम तो रोज मानव को कई आदमियों से बात करते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, इसमें अजीब बात क्या है पम्मोरानी? अरे आप भी ना बात बीच में काट देते हो। अरे अजीब बात तो ये है कि जब हमने उनसे पूछा ना तो उन्होंने कहा कि किसी आदमी से नहीं, फोन पर बात कर रहा हूँ। सफेद झूठ बोला। झूठ क्यों बोला? हमने। अरे नहीं मानव ने। अरे वही तो पता करना है तुम्हें। नहीं बाबा आपको। अरे आलू हाथ में है, झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बस कान खींचेंगे वो सब कुछ बता देगा। अपने? नहीं मानव के। है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अगर लोग कान पकड़ के सच बोलते ना तो हम हमेशा आपके कान पकड़ के ही बात करते। वैसे देवर जी को सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए वरना दुख होगा। मानव को? नहीं हमें। अरे मानव। हाँ भैया। क्या बात है मानव, जरा परेशान लग रहा है। फसा। नहीं तो मानव पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है भैया? वैसे आप लोग सब ठीक है ना? हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, क्यों? नहीं वो बात ये है कि जब मैं बाहर था ना तो बस थोड़ी देर के लिए धरती कंपन हुआ, बस थोड़ी देर के लिए। मैं भी वही सोचते हुए घर चला आया कि घर पर सब ठीक तो है ना। अरे रे रे ठीक लग रहा है, मैं काम करता हूँ, ऊपर जाकर चेक करके आता हूँ। हैं मानव? अरे मानव, धरती कंपन, भूकंप का दूसरा नाम, मतलब झूठ बोला। झूठ तो मानव जरूर बोल रहा है, क्या छुपा रहा है हमसे? किससे बात कर रहा था वो आदमी? जिससे वो बात कर रहा था कैसा था वो? बहुत अजीब दिखता था, चोर उचक्के जैसा, मानो जेल यात्रा करके आया हो। तिलक था माथे पर, मगर गेरुआ। माथे पर तिलक था? हाँ। पान चबा रहा था? हाँ। लाल गमछा ओढ़े हुए था? आपको कैसे पता चला? गोरख तुच्छा सा चोर है, अब तो किसी हाल में पता करना ही पड़ेगा कि मानव उससे क्या बात कर रहा था। हमें? अरे नहीं नहीं हमें। अरे भैया जी छोड़, क्या हुआ? बरेली का पेड़ा खाया आप? ये पूछने के लिए बुलाया तुमने? अरे पूछने के लिए नहीं, बताने के लिए बुलाए हैं। क्या? बांट दीजिए 10-5 किलो मिठाई गरीबों में। क्यों? आज के जमाने में एक कुंवारे को किराए का घर दिलवा के फटे हासिल किए हैं। कहाँ? आपके मर्जी का घर मिला है भैया जी, मकान मालिक दुबई में रहता है, सारी बात कर लिए हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि किराए का घर मिल गया। बढ़िया है, चलो चलो। मानव किराए का घर ले रहा है, हम भी देखते हैं कैसे लेता है किराए का घर। इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हमें भनक तक नहीं पड़ने दी, हमारी नाक बंद है क्या?
कुछ बोलता क्यों नहीं लल्ला? दूध का पाउडर ठूस लिया है क्या मुंह में? या फिर भूकंप में तुम्हारी सामान चली गई? क्यों देवर जी, क्या परेशानी है यहाँ? ऐसी बात नहीं है भाभी। तो फिर कैसी बात है मानव? देख भाई, शराब जुए जैसे कोई आदत हो तो बता दे, तो हम डूब मरे। पिताजी प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या जी, कुछ भी बोलते रहते हो। ज्यादा से ज्यादा कहा होगा लड़की का चक्कर होगा, क्यों लल्ला बोल? नहीं मम्मी। हाँ है देवर जी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? एक से ज्यादा लड़कियों से मिलना जुलना है क्या आपका? आप भी ऐसा सोच रही हैं भाभी? अरे मानव, हम लोग सोच सोच के पगला चुके हैं। तू जरा कुछ बता और अपनी ये उलझन को सुलझा। मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। अकेला? 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 लेकिन क्यों, हमारी वजह से? देख लल्ला, हमारा खाने के लिए तुझे तंग करना पसंद नहीं है तो हम नहीं तंग करेंगे। देवर जी, अगर हमारा ये पूछना कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता तो हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हाँ बेटा, तू यहाँ के बैठ। अच्छा अच्छा, देख भाई, हम तुम्हें अंग्रेजी अखबार पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, हम हिंदी अखबार पढ़ लेंगे भाई, अब तो ठीक है। चाचू, मैं आपको सुबह सुबह बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, पक्का। चाचू, मुझे साइकिल सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रुला दोगे का पगलो, उसे भी तो कुछ बोलने दो। अबे ओ, इधर। आज तक तू लोगों के घरों से सामान चुराता था, अभी इंसान चुराने लग गया। भैया जी, हम नहीं दिलाएंगे तो ससुर कोई और दिला देगा छोटे भैया जी को घर, और जाने वाले को कौन रोक सका है? भैया जी, चाबी। चाबी आ गई। लल्ला, तू सचमुच जा रहा है? क्यों? क्योंकि मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। कैसी बात कर रहे हैं पगले? अरे भाई, कभी कभी माँ बाप बच्चों पे बोझ बन जाते हैं, लेकिन बच्चे कभी माँ बाप पे बोझ नहीं होते बेटा। ये सब सिर्फ कहने की बात है पिताजी। पूछो जी इसे, कौन इसे बोझ समझ रहा है? अरे हम क्यों पूछे, तू पूछो, हम अपने प्रश्न पूछेंगे। अरे पिताजी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे आने से आप लोगों की जिंदगी में झंझट बढ़ गई है। अरे बेटा, झंझट तो तब थी जब तुम छोटे थे, बिस्तर में सुसू कर देता था, वॉशिंग पाउडर खाता था, टीचर से डांट पड़वाता था। एक बात तो पानी की तरह क्लियर है भैया जी, आपके परिवार वालों को आपसे कोई परेशानी नहीं है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मम्मी? मम्मी, मैं 3 सालों से अकेला रह रहा था, अब लौटा हूं तो मुझे भी थोड़ी परेशानी हो रही है। हाय हाय, कैसी परेशानी देवर जी? भाभी, मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई थी, और अब यहाँ वापस आकर मैं फिर से घर का वही बच्चा बन गया हूँ। जब तक लड़का कुंवारा है, अपनी माँ के लिए बच्चा ही होता है। ऐसी बात नहीं है माता जी, आज ही हम एक 70 साल के कुंवारे से मिलके आ रहे हैं। कुंवारे तो थे वो, लेकिन बच्चे नहीं थे। तू चुप हो जा, तू अपने कमीशन के चक्कर में मेरे भाई को उकसा रहा है। अरे अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? भाई, हाँ समझ गए। एक बात सब लोग ठीक से समझ लो कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती, भले वो प्यारी क्यों ना हो। हम ये देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक इसके पीछे हर कोई लगा रहता है, लल्ला ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो कर लो, क्यों भाई, यही बात है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। वैसे भी मेरे किराए का घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, पास का पास भी हो जाएगा और आजादी की आजादी भी, ठीक है ना पिताजी? अरे क्या खाक ठीक है, ये सोचा तुमने? अरे भी एक ही गांव में रहकर अलग अलग रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे भी कुछ चुल्लू पर पानी लिया मेरे लिए। अरे चुल्लू पर पानी क्यों? अभी लाश गिरेगी यहाँ मेरी, मेरे लाश पर से गुजर जाना तुम। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? हाय देवर जी, सासू माँ की लाश पे से गुजरने से पहले आपको भाभी की लाश पे से गुजरना पड़ेगा। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि सासू माँ ने जान दे दी और बहू ने देखा तमाशा? आप लोग को मरने की पड़ी है, लेकिन समझने की नहीं, चाचू को अपनी प्राइवेसी चाहिए। और हाँ चाचू, ना बच्चे नहीं रहे कि हमारे साथ हमारे कमरे में रहेंगे। दादी, अब आप है ना, वो कुआर है तो बच्चे, वो वाली बात फिर से मत कहना। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें एक अलग से कमरा इसी घर में मिल जाए तो कोई दिक्कत? कौन सा कमरा? अरे पिताजी, वो बाहर वाला कमरा, उसका तो दरवाजा ही अलग है। बिल्कुल, देख भाई, हम जबान देते हैं कि आज के बाद तू कब आएगा, कब जाएगा, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, अब तो ठीक है। बातों में ना आओ भैया जी,
अबे आ तुझे बाहर का रास्ता दिखा, दूर तक छोड़ के आना इसको। पिताजी प्रॉमिस। बेटा हम जबान देते हैं, अब तो सब ठीक। खुश बस थोड़ा सा वो चक्की में हाथ बटा रहा है। अरे मजाक कर रहे हैं। देवर जी को जुबान दे दी है पिताजी ने सासू माँ, उन्होंने दी है, हमने तो ना दी है ना। उन्होंने अपना काम किया, हम अपना करेंगे। मतलब पराठे भी खिलाएंगे और समोसे भी। जुबान उनकी है पर नाक तो हमारी है ना। प्यार भी मिलेगा और नजर भी रखी जाएगी। जवान लड़का है, कुंवारा है पर हमारा है।